Now, the techniques used in dimensionality reduction, one is wavelet transform. Wavelet का means, सबसे पहले हम wavelet की बात करें तो wave का मतलब होता है धारा और let means small. जब हम small waves की बात करें तो वहाँ पर हम wavelet use करते हैं. ठीक है, आप लोगों ने पहले already discrete wavelet transform या discrete Fourier transform के बारे में थोड़ा बहुत signal processing या कहीं ना कहीं उसका नाम सुना होगा. तो wavelet transform है क्या basically? It is a mathematical function. It cut up the data into different frequency components and study each component with their resolution matched to its scale. Why there is a requirement? Okay, ये एक mathematical function है. यहाँ पर हम data को different different frequency components में divide करते हैं और फिर उन components की study करते हैं कि कौन सा resolution किस scale से match हो रहा है. ये analyze, ये क्यों ज़रूरत पड़ी? ये analyze करने के लिए इसकी discontinuity को, अगर कोई मतलब wavelet या कोई भी हमारी transformation है signals की, उसमें discontinuity है तो उसको analyze करने के लिए, या फिर signals के sharp spikes को read करने के लिए हमने wavelet transform use किया. ये बहुत जगह applications में use होता है, जैसे आपका astronomy में, music में, optics में, radar में, human vision में, signal और image processing में, pure mathematical applications में, earthquake predictions में, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन में, न्यूक्लियर एनर्जी में, और भी बहुत जगह पे यूज़ होता है आपका वेवलेट ट्रांसफॉर्म. अब वेवलेट ट्रांसफॉर्म के साथ साथ हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो अभी हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म वर्सेस फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं. फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट अ सिग्नल इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइड्स. साइनोसॉइड्स का मतलब है कि जब आपके वेव्स इस तरह से फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है सिग्नल्स आपके, तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये आपके लोकलाइज्ड होते हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन में. इट डज नॉट गिव एन इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल इन द टाइम डोमेन. मतलब अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन को लोकलाइज करता है, टाइम डोमेन को लोकलाइज नहीं करता है. तो ये एक लैक था. एक्चुअली क्या हुआ था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ लैकिंग की वजह से ही वेवलेट ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इसलिए वेवलेट ट्रांसफॉर्म को लेकर आया गया. वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या है? बेसिस फंक्शन ऑफ द वेवलेट ट्रांसफॉर्म आर स्मॉल वेव्स लोकेटेड इन डिफरेंट टाइम्स. अब देखिए यहाँ पे टर्म आ गया ना, स्मॉल वेव्स, छोटी छोटी वेव्स. ठीक है, वो आपकी जो पीपीटी में आपने डायग्राम देखे हैं, ड्यूबिशी, हार, इस फॉर्म में आपका वेवलेट ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट होता है. आप पीपीटी में देखिएगा, आपका वेवलेट ट्रांसफॉर्म के डायग्राम्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. दे आर ऑब्टेंड यूजिंग स्केलिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ स्केलिंग फंक्शन एंड वेवलेट फंक्शन. यहाँ पर हम स्केलिंग किसका, स्केल फंक्शन की यूज़ करते हैं, और एज वेल एज वेवलेट फंक्शन का भी हम यूज़ करते हैं. ओके, वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका दोनों में ही लोकलाइज होता है, चाहे टाइम की फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें या फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें, दोनों में ही आपका यूज होता है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ मल्टी रेजोल्यूशन सिस्टम. इसकी खास बात ये होती है कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपको मल्टी रेजोल्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करता है. एंड विथ दैट मल्टी रेजोल्यूशन सिस्टम इज ऑल्सो यूज इन इमेज कम्युनिकेशन एज वेल एज इन इमेज डेटाबेस. ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द वेवलेट ट्रांसफॉर्म.